अब मेरे बच्चे सुनो ध्यान से, अब क्या करोगे ना, बड़ा सा पत्ता ले आना, ये सुनानी है उसको, बोलना कि वो पत्ता लेकर आएगी। जब आंख फाड़ के देखोगे ना इसको, आंख फाड़ के बहुत सारा छेद दिखेगा, अब तक ध्यान नहीं दिएगा आप, कभी ध्यान से देखना, बहुत एकदम क्लियर दिखाई दे रहा था वो जो लेकर आएगी, क्लियर समझ में आ गई बात। अच्छा एक और बात, उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट, क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो ऊपर वाले पार्ट और लोअर वाले पार्ट, ऊपर वाले पार्ट पे इंस्ट्रूमेंट कम है, ऐसे हो गया ना, ऐसे रहेगा ना ये वाले, यानी कि ये जो आपका पत्ती है इस वाले पार्ट में, ऊपर वाले अपर एपिडर्मिस पे ये छोटा छोटा जो छेद होता है जिसको स्ट्रोमेटा कहते हैं, वो क्या होता है इधर ज्यादा होता है। क्यों? ऐसे ही सोचो, ऐसे ही सोचो, क्वेश्चन क्या था, यानी अपर एपिडर्मिस पे स्ट्रोमेटा छोटे छोटे होल ज्यादा हो गए या नीचे, नीचे ज्यादा हो गए, अभी बता नहीं क्यों 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 बोलो। अरे मेरे बच्चे वो स्ट्रोमेटा है ना, उससे गैसियस एक्सचेंज होता है, जैसे ऑक्सीजन वहां से निकलता है उस होल से, उस ओपनिंग से कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर जाता है, तो जब वो खुलता है ना उसके अंदर एक सेल भी होता है गार्ड सेल, उससे वो कंट्रोल होता है ओपनिंग एंट्रोलॉजी, ठीक है ना, उसी गार्ड सेल से कंट्रोल होता है। जैसे मान लो खुला तो भाई पानी का भी तो लॉस होगा, पानी का भी तो लॉस होगा, हालांकि फायदा भी है, पानी के लॉस होने से लिप्स से प्लानिक पानी का लॉस होता है ना, पानी के लॉस से फायदा भी है, समझ में आप, अभी बात करेंगे, हालांकि ये भी एनसीईआरटी में आपके बुक में है, वो आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं बताया जा रहा, पढ़ोगे तब ना एनसीईआरटी पता चलेगा, समझ में आप, पहले उसको क्लियर कर देते हैं। मेरे बच्चे सुनो ध्यान से, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट सन के कॉन्टेक्ट में कौन होता है, अपर लोअर एपिडर्मिस थोड़ा ना, तो मेरे बच्चे यहाँ ज्यादा होगा तो अच्छी बात है ना, थोड़ा कम होगा वाटर का लॉस कम होगा, और मान लो कार्बन डाइऑक्साइड इधर से जाना तो ऊपर से जरूरी थोड़ा ना, नीचे वो से चल जाएगा, और ऑक्सीजन का निकलना तो ले नीचे ज्यादा हो जाएगा इधर से निकल जाएगा, हालांकि ऊपर भी होता है लेकिन कम कम होता है। इतने लोगों को ये बात एकदम पढ़ना है, मिनिमम मतलब वाटर का लॉस मिनिमम, समझ में आ गई बात। एस्ट्रोमेटा में होल होता है, वो होल एक सेल के द्वारा कंट्रोल होता है जिसको कहते हैं गार्ड, सबको आया समझ में, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे वाटर का लॉस उसी एस्ट्रोमेटा से होता है। अब एक और बात सुन लो, वाटर का लॉस होना यानी वाटर का लिप्स के सरफेस से भागना, समझ में आया। इससे फायदा क्या है, पहला फायदा है इसके टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, ट्री के मतलब प्लांट के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है लॉस ऑफ वाटर, समझ में आ गई बात। दूसरी बात, अगर यहाँ से लॉस नहीं होगा, वाटर का लॉस नहीं होगा इसके पत्ते से सरफेस से, तो पानी चढ़ेगा कल से ऊपर, समझ में आ गई बात। तो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है कौन, मतलब वाटर का लॉस जो होता है उसके जरिए से पानी भी इसमें चलता है ऊपर, एक एक पार्ट में पानी जाता है। दूसरा, इसके टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई, तो पत्ता आप लेकर आओगे या सोनाली से बोलोगे लेकर आएगी, उस पत्ते को आप ध्यान से देखना, वो क्लियर जो मैं आपको ओपनिंग बता रहा हूँ ना, आपको देखने को मिलेगा। क्या बात समझ में आई, चलिए आज का कहानी यही खत्म हुआ, फिर मुलाकात होगी।